नमस्कार, ये है तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। आज के पॉडकास्ट में उन बंदियों का जिक्र जो 2015 के तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स का हिस्सा बने, राधा मोहन, वीरेंद्र, प्रणव, हनुमान, प्रवीण भाई, फिरोज, अरविंद कुमार, देव किशन, दिलीप, घनश्याम, आप इनमें से किसी को नहीं जानते, नाम भी आपने कभी नहीं सुने होंगे। इन सब की पहचान में दो बातें मेल खाती हैं। एक, इन सब के पास एक हुनर है जिसे इन्होंने पहचान लिया है, और दूसरा ये कि इन सब का पता है जेल। साल 2015, इस साल देश में पहली बार बंदियों और जेल स्टाफ के लिए तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स के सम्मानों की घोषणा हुई। देश भर से एंट्रीज आई और 11 बंदी इन पुरस्कारों के लिए चुने गए। इन्हें दिल्ली के सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट ने एक सादे समारोह में इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी ने रिलीज किया। इन 11 बंदियों में से एक राधा मोहन से 3 साल बाद 2018 में उस जेल में मेरी मुलाकात हुई जहां वो बंदी थी। राधा जेल में आने से पहले शिक्षक थे और अब जेल में कविता लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं। आज जब आपसे बात कर रही हूं, तब भी ये सभी 11 बंदी अपनी अपनी जेल में हैं और किसी तरह से अपनी जिंदगी में उम्मीद भरने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र को जब पुरस्कार मिला तो एक अखबार में एक छोटी सी खबर छपी और लंदन के एक बड़े प्रकाशक ने उसे संपर्क कर उसकी किताब को छाप दिया। मंजीत ने भी जेल की जिंदगी पर एक किताब लिखी है। आज के पॉडकास्ट में राधा मोहन की कविता के कुछ अंश आपके सामने रख रही हूँ। उसकी इसी कविता को तिनका तिनका इंडिया अवार्ड्स के लिए चुना गया था। कविता का शीर्षक है चाहत। कभी खुद से नफरत होती है तो कभी जमाने से होती है, खोंट की कला मेरे अरमानों का, ये दुनिया चैन से सोती है। लेकिन आज मैं जहां हूं डूबा, उबर कर मैं उससे भी जाऊंगा, जीतूंगा मैं लहरों से, उन्हें भी मैं हराऊंगा। पाना है मुझे साहिल, उसे पाकर ही जाऊंगा, कर्मवीरों की धारा है ये, सफलता उनको मिलती है, टकराते हैं तूफानों से जो, हार न उनको मिलती है। जेल में जिंदगी का ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में कुछ नई बंदी, कोई और जेल। आज के लिए विराम, शुभकामनाएं, वर्तिका नंदा।